आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। राजा जयसेन सिंहासन पर विराजे हुए हैं। महापुण्यशाली धर्मात्मा राजा जयसेन प्रजा का प्रीति पूर्वक मगध देश में अच्छे से पालन कर रहे हैं, और नगर विहार को जब वो जा रहे हैं तो एक सखी झरोखे में बैठी अपनी दूसरी सखी से पूछती है, हे सखी एक बात बताओ, ये राजा कहाँ थके हैं जो इनके लिए इतनी व्यवस्था जुटाई जा रही है। वो कहती है, हाथी चढ़ घोड़े चढ़े चढ़े पाल की माए, कब के थाके हे सखी काहे दबावे पाए। हे सखी एक बात बताओ, राजा तो थका ही नहीं है, वहाँ पर झरोखे में बैठे और हाथी पे बैठे, फिर घोड़े पे बैठ गए, हाथी से उतरे तो घोड़े पे बैठ गए, और घोड़े से उतरे तो पालकी में बैठ गए, और पालकी से सीधा उतारा तो सिंहासन पर बैठ गए। ये बताओ कि थके कहाँ हैं, और जैसे ही वहाँ पर बैठे तो फिर सेवक उनके पैर दबाने लगे। मुझे कुछ बात समझ में नहीं आती, जो थकते हैं सच में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनका तो कोई पैर दबाता नहीं, और ये ज़रा भी थके नहीं। हाथी चढ़ घोड़े चढ़े चढ़े पाल की माए, कब के थाके हे सखी काहे दबावे पाए। सखी ने कहा, बात बहुत गहरी है, आज की नहीं पहले की है। ये राजा है वर्तमान में, उन्होंने पूर्व में इतनी तपश्चर्या की थी, बात ये है, भूसु तो भूखो मर्यो कीनो उग्र विहार, तब के थाके हे सखी अबे दबावे पा। हे सखी सुनो, भूसु तो पहले भव में भूशयन किया था, धरती पर शयन करते थे, भूखो रहे और कई कई दिनों तक भूखे रहे, उपवास किए, सिंह निष्क्रीड़ित आज और पैदल पैदल चलते रहे, तन की परवाह नहीं की, आत्मा की सुध आ गई थी, निज रमण करते हैं, बाहर में भ्रमण करते रहे और निज में रमण करते रहे। सखी क्या कहूँ, उस वक्त उन्होंने ऐसे कर्मों की निर्जरा की, पाप कर्म का उन्होंने निवारण कर दिया। भूसू तो भूखो रहे कीनो उग्र विहार, तब के थके उनके चरण उनके पैर, तब के थाके हे सखी अबे दबावे पा। तब के थके हैं, अब आज इनके पैर दबाए जा रहे हैं, मतलब इतना पुण्य संचय किया कि आज यह पुण्य उनका उदय में आ गया है, तीव्रता से पुण्य उदय में आया है, और बिना थके भी इनकी सेवा चाकरी करने के लिए लोग सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि मुझे कब इनकी सेवा का अवसर मिले। वाह क्या बात है, बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। वो राजा जयसेन मगध के, ऐसी सेवा शुश्रूषा की जा रही है उनकी, तीव्र पुण्य का परिपाक है। आचार्य भगवान भी कहते हैं, जहाँ त्याग का जोर है वहाँ पर राग का जोर नहीं है, जहाँ पर त्याग का जोर चलता है उसके शासन में राग का कोई भी जोर नहीं चलता। है कोई त्यागी ऐसा जो खूब देने वाला भी हो लेकिन लेने की तमन्ना न हो, धन्य है वह। देने वाला दानी है लेकिन नहीं लेने वाला महात्यागी है, कुछ भी नहीं चाहिए, जो चाहिए वो सब मेरे पास में है।
वो मेरे पास में सब कुछ है जो मुझे चाहिए, बाहर से एक परमाणु भी नहीं चाहिए। अनंत तो बाहर इकट्ठा किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मेरे आत्मा के प्रदेशों में एक परमाणु भी प्रवेश नहीं कर पाया। ऐसा मेरा आत्म वैभव अटूट है, अखूट है, अनंत है, मुझे अब ये पर पदार्थ नहीं चाहिए। जहाँ त्याग का जोर होता है वहाँ राग का जोर नहीं होता। आचार्य भगवान कहते हैं संयतस्य योग्यम ज्ञानादि दानम त्यागः। संयत के योग्य जो ज्ञान आदि का दान देना है वो त्याग कहलाता है। सबसे बड़ा दान ज्ञान दान माना है। मुझे वो बात याद आती है आचार्य भगवान के पास हम लोग जब 10 प्रतिमा में रहते थे, लगभग 80 बहनें हमारे आश्रम में रहती थी और सब स्वाध्याय करती थी। आचार्य जी ने काम सौंपा था, आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें इनको पढ़ाना है और लगभग 3 से 4 घंटे डेली स्वाध्याय इनका चलता था। स्वाध्याय कराना हमारा बस एक आचार्य भगवान के आशीर्वाद से कार्य था। एक दिन आचार्य जी से कहा कि गुरुदेव हम लोग एकाध महीने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, थोड़ा सा विहार करेंगे, धर्म प्रभावना करेंगे और तीर्थ वंदना भी करेंगे, ऐसी भावना है, आप आज्ञा दीजिए। आचार्य जी ने कहा कोई आवश्यकता नहीं है, बाहर में क्या तीर्थ वंदना करना है अभी, हाँ बाहर में असंयमी को क्या ज्ञान देना है, यहाँ इतने सारे त्यागी व्रती हैं उनको 80-80 बहनों को ज्ञान दान दे रहे, ये क्या कम है, अभी कहीं नहीं जाना, इन्हीं को ज्ञान दान दो। और आचार्य भगवान ने हम लोगों को ऐसा आशीर्वाद दिया कि बस सतत ज्ञान में ही लगे रहते थे। आचार्य भगवान का कहना था कि ज्ञान दान सबसे प्रमुख दान है, क्योंकि आज एक एक त्यागी व्रती को ज्ञान दोगे वो आगे जाकर के हजारों हजारों असंयमी को संयम का पथ दिखाएंगे, ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है। और जब मैंने ग्रंथों में भी पढ़ा तो मुझे ग्रंथ में जो विषय मिला, आचार्य भगवान कहते हैं कि आहार दान दोगे तो कुछ घंटे तक निराकुलता रहेगी, औषध दान दोगे तो कुछ काल तक शरीर में निरोग दशा रहेगी, अगर तुम अभय दान दोगे तो उस भव के लिए उसको अभय मिल जाएगा, किंतु ज्ञान दान दोगे तो वह जीव हमेशा हमेशा के लिए भव से पार हो जाएगा, इससे बड़ा और क्या कार्य हो सकता है। ज्ञान दान की महिमा बताई हमारे आचार्य भगवंतों ने। कहते हैं कि जो आहार दान देता है वो कभी भिखारी नहीं बनता, जो औषध दान देता है वो कभी रोगी नहीं रहता, जो अभय दान देता है वो कभी भी अकाल मरण नहीं होता उस जीव का, और जो ज्ञान दान देता है एक दिन वह स्वयं केवल ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। आवाज तो सबके मन में गुदगुदी चल रही होगी कि अपन भी ज्ञान दान दे, अपन भी ज्ञान दान दे। पहले ज्ञान हासिल तो करो, सब में ज्ञानी तो हो जाओ, स्वपर तत्व का भेद ज्ञान तो करो, खुद को ज्ञान है ही नहीं और दूसरों को ज्ञान देने दौड़ पड़े तो क्या होगा। लोग कहेंगे पहले स्वयं राग द्वेष का त्याग करो, स्वयं सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो, चारित्र के पथ पर चलो, फिर हमें बताना। लोगों के ऊपर असर उसी का होता है जो स्वयं उस मार्ग पर चल पड़ा हो। इसीलिए आचार्य देव का कहना है कि जो त्याग है वह परम धर्म है और दान है वह एक पुण्य की क्रिया है। दोनों में कितना अंतर है, एक पुण्य है और एक त्याग धर्म माना गया है। दोनों के अंदर अगर अंतर देखें तो बहुत कुछ अंतर आपको पता चलेगा। दान पराधीन क्रिया है जबकि त्याग स्वाधीन क्रिया है। त्यागी के पास परिग्रह नहीं होता पर दानी के पास में परिग्रह होता है, अगर नहीं है तो वह देगा कैसे। दानी के पास में परिग्रह होता है लेकिन त्यागी के पास में कोई परिग्रह नहीं रहता। त्याग करते समय जो वस्तु का हम त्याग कर रहे हैं उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा ये नहीं देखा जाता, किंतु दान देते वक्त सदुपयोग का ध्यान दिया जाता है। हम जो दान दे रहे हैं इसका सदुपयोग होगा कि नहीं होगा, हाँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रस्ट वाले गड़बड़ कर दें, ये भी तो देखना पड़ता है कैसे लोग हैं। हाँ कई स्थान पर ऐसा भी सुनने में आता है, इसलिए लोग सोच समझ करके ही दान देते हैं कि हमारा द्रव्य का दान सही सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए सोच समझ करके बोलते हैं। बोलते भी वही है
जिनके अंदर में भावना होती है, और बोला है तो देना ही है, जितना बोला उतना देना ही है। हाँ, एक दो महीना हो गया मैं ब्याज के दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना बोला है उतना तो देना ही है, नहीं तो बेचारे ट्रस्ट वाले त्रस्त हो जाते हैं, मांगते मांगते फोन लगाते लगाते और फोन लगाओ तो धमकी तक दे देते हैं। ये दान नहीं है, ये घोर अपराध है, घोर अपराध है। सच्चा दान तो यही है कि यहाँ पर बोलो और यहाँ पर दे दो, बस साथ में लेकर के आए, वही सच्चा दान माना गया है। सुना था मैंने एक बार, सम्यक शिखर की घटना है, जो समव शरण का मंदिर है वहाँ पर कलश चढ़ाने की बोली चल रही थी, और एक महानुभाव कलकत्ता से अपने साथ में पैसे लेकर के, कैश लेकर के आए थे। अब क्या हुआ, वो 1,11,000 लेकर के आए थे, लेकिन 1,11,000 की जो बोली थी साहू शांति प्रसाद जी के नाम पर 3 हो जाती है। अब 3 हो जाती है, उनका नाम नहीं आया, लेकिन वो जल्दी से उठे अपने स्थान पर, और कलशारोहण के लिए उन्होंने पूरा 1,11, कौन से जमाने की बात है, आज से कई वर्ष पूर्व, कई दशक पहले, और उन्होंने पूरे 1,11 दे दिए और चुपचाप बैठ गए। क्यों, आप क्यों दे रहे हैं? मैं अपना मन बना करके आया था कि आज कलशारोहण होगा तो मैं 1,11,000 उसमें अवश्य दूंगा। सम्मान नहीं, नहीं नहीं, हमारा नाम नहीं ले सकते। जिनके नाम पर 3 हुआ है आप उनको ससम्मान कलश चढ़ाइए। जैसे ही साहू शांति प्रसाद जी को पता चला तब उन्होंने उठ करके उनके स्थान पर आए, उनको उठा करके गले लगा लिया और उनकी आंखों में खुशी के आंसू, प्रेम के आंसू बहने लगे। कहा उन्होंने कि व्यवस्था के तौर पर भले ही मेरा नाम यहाँ पर आया है कलश चढ़ाने में, पर वास्तव में दान परंपरा में, इस पुण्य की पावन परंपरा में तुम्हारा नाम ही आज लिया जाएगा और वर्षों वर्षों तक तुम्हारा नाम लिया जाएगा कि दान हो तो ऐसा हो। धन्य है, ऐसे भी लोग हुआ करते हैं जो बोली का पैसा कभी रखते नहीं अपने पास में, क्योंकि वो निर्माल्य हो गया है, उसको स्पर्श करना भी पाप है। आप एक श्रीफल चढ़ा करके उसको कभी छूना पड़े तो तत्काल हाथ धोते हैं, क्योंकि यह निर्माल्य है। हमारे आचार्यों ने लिखा है, जो बोली लेकर के तत्काल ही पैसा दे देता है उसके लिए कहा है कि जो वह देना है खून बराबर जामे खींचा तानी, बिन मांगे दे दूध बराबर, बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी। क्या बात कही है, बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, वह देना है खून बराबर जामे खींचा तानी। बिना मांगे दे दे तो यह तो दूध के बराबर दान माना जाता है, और मांगे दे, मांगने पर दे दे, अच्छे मन से देता है तो वह पानी के बराबर होता है। वह देना है खून मना बराबर, वह तो खून के बराबर है जिसमें खींचा तानी हो, भैया दे दो हमारा काम है, हाँ हाँ दे देंगे, क्या पैसा खा थोड़ी ना जाएंगे, दे देंगे। तरह तरह की बातें करते हैं, उलाहना देते हैं और कड़क शब्द भी बोलते हैं, बेचारे ट्रस्ट वालों को सुनना भी पड़ता है, लेकिन ये उनका काम नहीं है। जो बोली ले रहे हैं उनका स्वतः का कार्य है कि वह ससम्मान राशि को समय पर ही पहुंचा दे। चातुर्मास के दरमियान जिस कार्यक्रम के लिए उन्होंने बोली ली है वो उस समय के दरमियान अवश्य ही अपना धन चुका दे। कई बार तो ऐसे भी लोगों को देखा है कि कलश ले जाते हैं और राशि जमा नहीं करते, ओहो बहुत अनर्थ हो जाता है, इसीलिए ऐसा कार्य कदापि न करें। अपनी जितनी चादर लंबी हो उतने ही पैर लंबे करो, हाँ जितनी अपनी सामर्थ्य हो उतनी ही बोली बोलो, लेकिन ससम्मान अहो भाव से उस दान को चुकाओ तो देखो तुम्हारे दिन दुनी रात चौगुनी पुण्य की वृद्धि होती चली जाएगी। जो दे गया सो ले गया, और जो खा गया सो खो गया। कहावत है, जो दे गया मन वचन काया से सद्भावना से अहोभाव से, ओहो मुझे जो मिला है अहोभाग्य है कि मैं आज दान के योग्य हूँ, सौभाग्य है मेरा।
एक व्यक्ति ने दान का मन बनाया और हजारों लोग धर्म ध्यान कर रहे हैं, भावों की विशुद्धि है। अभी यहाँ पर किसी के भीतर में विषय तृष्णा नहीं है, है क्या? नहीं, बुरे भाव नहीं है, भगवान के गुणगान में लगे हुए हैं। क्या सातिशय पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। इस काल में भी जीव ऐसे एक व्यक्ति मन बनाता है, एक व्यक्ति ने कहा हमें भक्तामर महामंडल विधान करना है। ऐसा ही हुआ था इंदौर में, एक व्यक्ति ने मन बनाया और पूरी कमेटी को तैयार किया, और जब विधान की बारी आई, एक दो नहीं लगभग 3 से 4 हजार लोग बैठे उस विधान में, और नगर के कई लोगों की भावना हुई कि हम भी करें, लेकिन जगह ही नहीं थी। फिर इसके बाद में कितनी विशुद्धि, सब आदिनाथ प्रभु के गुणों के रंग में रंग गए, इतना अच्छा लगता था। ऐसी होती है भक्ति। तो अगर विषय भोग के लिए एक व्यक्ति मन बनाता है तो कईयों को हजारों को उस गड्ढे में गिरा देता है, लेकिन धर्म की भावना, भक्ति की भावना बनाता है तो हजारों लोग उसके साथ साथ देते हैं। आचार्य भगवान के पास में एक व्यक्ति आया, बड़ा ही गरीब निर्धन था और फटे हुए कपड़े भी थे। आचार्य भगवान के पास में अलग से आकर के बैठा और कहा, महाराज मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं बहुत दान करना चाहता हूँ, लेकिन खाने के लिए ही मेरे पास दाने नहीं, तो मैं कैसे दान करूँ? आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, एक टाइम बड़ी मुश्किल से भोजन कर पाता हूँ। आचार्य जी ने देखा और उनके मुख से जो वचन निकले और कहा, दान किया करो। क्या कहा? दान किया करो। आज के लोग ऐसे कह देंगे कि कोई बात है क्या, बेचारे को धन दौलत चाहिए और उल्टा ऊपर से कह रहे कि दान और करो, कहाँ से करेगा, खाने के तो फांके पड़े हैं, कहाँ से दान करेगा? लेकिन गुरुओं की बातें बड़ी रहस्यमय हुआ करती हैं। अज्ञानियों को, मिथ्या दृष्टियों को, भोगवादियों को तो समझ में आने वाली है ही नहीं। अब बाहर निकला, उस प्रणाम किया गुरु के चरणों में और मन में सोचने लगा कि मैं दान करूँ तो कैसे करूँ। बाहर महाराज श्री बैठे हुए थे, उनसे पूछा उन्होंने कि गुरुदेव ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे दान दूं? महाराज ने कहा, कितनी रोटी खाते हो? बोले 4-5 रोटी खाता हूं, गरीबी में भूख भी ज़्यादा लगती है, हाँ क्या करूं, फिर भी पेट भरता नहीं है। ऐसा करो, रोज की आधी रोटी का दान देना है तुम्हें, आधी रोटी, हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ, तो ठीक है आज से आधी रोटी दान करोगे। उसने मन बना लिया कि मैं आधी रोटी का रोज दान दूंगा, और वह आधी रोटी जितना रोज दान देने लगा। अब उसके मन में क्या दान की भावना जागृत होने लगी। जैसे जैसे ये भावना जागृत हुई, और आचार्य भगवान ने कहा था कि रोज महामंत्र की जाप करना, महामंत्र की जाप करना। एक वही व्यक्ति ने कहा, महाराज मुझे किसी ने यंत्र दिया है, उसको मैं घर पे रखूं कि नहीं रखूं? महाराज ने, आचार्य भगवान ने सीधी बात कही, देखो यंत्र जी को घर में रखो ना रखो महत्वपूर्ण नहीं है, घर में यंत्र जी को रखो ना रखो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन घट में महामंत्र को जरूर रखना ये महत्वपूर्ण है। उसने अपने घट में महामंत्र को रखा और रोज जाप करने लगा। आधी रोटी का दान, धीरे धीरे उसकी इतनी सगवड़ होने लगी, इतनी उसके जीवन में कुछ कुछ खुशहाली आने लगी, उसको लगने लगा कि अब मैं थोड़ा सा पेट भर भोजन कर पाता हूँ तो मैं एक रोटी का दान करूँगा। धीरे धीरे 2 रोटी का, 4-6 महीने में तो इतना अंतर आ गया कि भर पेट किसी को भोजन करा सके, उतनी सामर्थ्य वाला हो गया। 2 वर्ष के बाद में वो व्यक्ति आया था, मैंने उसे देखा, अपनी खुद की गाड़ी लेकर के आया और हाथ में चांदी का थाल लेकर के आया, आचार्य भगवान की पूजा करने के लिए आया। उसने ये नहीं चाहता कि मेरे पास में धन दौलत इतना हो जाए, नहीं, मैं सिर्फ इतना कर सकूं कि किसी का पेट भरा सकूं, इतनी तो सामर्थ्य मुझ में भी हो जाए, मैं जैन कुल में आया हूं। और ये दान का मार्ग उसने अपनाया, उसका जीवन बदल दिया। इस कार्यक्रम